Hind defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about India-UAE relation. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, leg straight and international relation. So let's get started with our topic. देखो क्यों है इंडिया एंड यूएई के बायलेटरल रिलेशन न्यूज़ में, उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इंडिया एंड यूएई के बारे में. देखो दोनों कंट्रीज जो है स्ट्रॉन्ग बायलेटरल रिलेशन यू नो इंजॉय कर रही है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल टाइज, कल्चरल एफिनिटी, शेयर्ड एस्पिरेशन. इंडिया एंड यूएई ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया था कब, 1972 में. यूएई ने अपनी एम्बेसी को ओपन किया है इंडिया में 1972 में, एंड इंडिया ने अपनी एम्बेसी को ओपन किया था यूएई में, दैट वाज इन द 1973. दोनों ने देखो दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो रिमार्केबल उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखा है 2015 में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया यूएई में, जो कि फर्स्ट विजिट थी बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 34 ईयर्स. इसकी वजह से इंडिया यूएई के रिलेशन जो है वो अपग्रेड हो गए टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेवल. अभी प्रेजेंटली हुआ क्या है, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद ही इज ऑन द विजिट टू इंडिया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे की एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन हो रहे हैं और काफ़ी सारे सिम्बॉलिक जेस्चर्स दिए जा रहे हैं, लाइक ट्री प्लांटिंग, जो कि स्ट्रेंथन करेगा दोनों कंट्रीज के रिलेशन को. अभी देखो विजिट के दौरान यूएई प्रिंस ने फॉलोइंग एग्रीमेंट्स को साइन किया है. सबसे पहला न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन बिटवीन एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन एंड न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. जो ये एमओयू है उससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कॉरपोरेशन एनहांस होगी इन द ऑपरेशन एंड यू नो मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि सोर्स है न्यूक्लियर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रॉम इंडिया. एक लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई एग्रीमेंट जो है वो हुआ अबू धाबी के नेशनल ऑयल कंपनी एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में. स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कॉरपोरेशन देखा गया एडनॉक एंड इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में. एक प्रोडक्शन कंसेशन एग्रीमेंट हुआ अबू धाबी के ऑनशोर ब्लैक वन बिटवीन ऊर्जा भारत एंड एडनॉक. एग्रीमेंट हुआ गुजरात गवर्नमेंट का और अबू धाबी के डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी PJSC का टू सेट अप फूड पार्क्स इन इंडिया, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया और यूएई के हिस्टोरिकल रिलेशन कैसे हैं. देखो इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जो है वो इंजॉय करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन एज ओल्ड कल्चर, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द टू नेशन. इनिशियल फेज ऑफ एंगेजमेंट की बात करें 1966 में रिलेशन जो है वो फ्लोरिश हुए आफ्टर द एक्सेशन ऑफ एच शेख जायद बिन सुल्तान अल नहायन एज द रूलर ऑफ अबू धाबी इन 1966. 1971 में क्या हुआ, फेडरेशन ऑफ यूएई क्रिएट हुआ. 1972 में इंडिया और यूएई ने एस्टैब्लिश किए डिप्लोमेटिक रिलेशन. 1981 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने विजिट किया यूएई में. देखो फेज ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की बात करें, देखो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी यूएई में, तो नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था यूएई में 2015 में, एंड इट वाज आफ्टर 24 ईयर्स जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया कंट्री को आफ्टर यू नो इंदिरा गांधी विजिट इन 1981. पीएम मोदी ने विजिट किया यूएई को 6 टाइम्स सो फार सिंस 2015, एंड पीएम मोदी जो है वो फेब में भी विजिट कर चुके हैं यूएई में, जहाँ पे उन्होंने इनॉग्रेट किया बैप्स मंदिर एंड एड्रेस किया अलान मोदी अमेरिका डायस्पोरा इवेंट. सऊदी के जो यू नो प्रिंस हैं उन्होंने विजिट किया इंडिया में. यूएई के प्रेजिडेंट मोहम्मद बिन जायद अलियान ने विजिट किया था इंडिया में फॉर 4 टाइम्स सिंस 2016, ट्वाइस एज अ क्राउन प्रिंस एंड ट्वाइस एज अ प्रेजिडेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर अचीवमेंट क्या रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, देखो इकोनॉमिक रिलेशन की बात कर लेते हैं. ट्रेड की अगर हम बात करें, फेब 2022 में इंडिया जो है वो पहली कंट्री बनी जिसने यूएई के साथ साइन किया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. इंडिया यूएई का ट्रेड जो है वो इंक्रीज हुआ है $180 मिलियन से 1970 में टू $85 बिलियन इन 2022 टू 2023, जिसकी वजह से ये यूएई को इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनाता है. कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की वजह से स्लैश देखने को मिला टेरिफ पे ऑन मोर देन 80% ऑफ गुड्स, जो कि ड्यूटी एक्सेस देता है 90% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएई. ये जो टारगेट है नॉन ऑयल ट्रेड का वो हिट कर चुका है $100 बिलियन, हिट कर जाएगा बाय $100 बिलियन बाय 2030, विच सीम्स एन इमिनेंट पॉसिबिलिटी नाउ.
इन्वेस्टमेंट की बात करें, यूएई की इन्वेस्टमेंट जो है ना इंडिया में, दैट इज अराउंड 21 बिलियन डॉलर, जिसमें से 15.5 बिलियन तो एफडीआई है। आदिया जो कि यूएई का सॉवरन वेल्थ फंड है, उसने इन्वेस्ट किया है सेवरल इंडियन प्रोजेक्ट्स में, जिसमें एनआईआईएफ मास्टर फंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी आता है। इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें, यूएई इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर यूएस, जो एक्सपोर्ट करती है 31.61 बिलियन डॉलर, जो कि ये डेटा है 2022-23 का। इंडिया एक्सपोर्ट करती है वाइड रेंज ऑफ गुड्स टू यूएई, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जेम्स आ जाते हैं, फूड आइटम्स आ जाते हैं, टेक्सटाइल आ जाती है, इंजीनियरिंग गुड्स आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया इम्पोर्ट्स की बात करें, यूएई एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का, जो इंश्योर करता है एनर्जी सिक्योरिटी को। यूएई एक्सपोर्ट करता है इंडिया को इंक्लूडिंग पेट्रोलियम, जेम्स, मिनरल एंड केमिकल। यूएई इज इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स फॉर क्रूड ऑयल एंड सेकेंड लार्जेस्ट फॉर एलएनजी एंड एलपीजी। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, देर इज अ हाई लेवल ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन द कंट्रीज, विद मोर देन 1500 फ्लाइट्स बिटवीन यूएई एंड इंडिया एवरी सिंगल वीक। फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, इंडिया एंड यूएई ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया हुआ है फॉर लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम इन 2023, जो फैसिलिटेट करता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन INR एंड AED। ये एनेबल करेगा यूज ऑफ देयर लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। फर्दर, इंडिया के जो टूरिस्ट है यूएई में और जो एमिरेट्स में रह रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट्स हैं इंडिया में, जो कि यूज करते हैं UPI का नेटवर्क। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की बास्केट कैसे इंक्रीज होती हुई नजर आई है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड एनालाइज द डेटा। जियो स्ट्रैटेजिक रिलेशन की बात कर लेते हैं, जो मिडिल ईस्ट रीजन है ना, दैट इज अ थिएटर ऑफ वॉरफेयर। लाइक हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो रही है सीरिया में, इराक में, येमेन में, ये कॉन्फ्लिक्ट के सेवरल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन आते हैं इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल, राइज ऑफ ISIS रिक्रूटमेंट फ्रॉम केरला। हेंस यूएई के और इंडिया के जो रिलेशन है, अगर सिग्निफिकेंट होंगे तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बोलस्टर करेंगे। इंडिया का एक्सेस जो है यूएई में AI दाफरा एयरबेस में फॉर रीफ्यूलिंग, उसकी वजह से भी स्ट्रैटेजिक रीच जो है वो एनहांस हुई है। इंडिया यूएई रिलेशन, बोथ ऑफ देम, दे आर वेरी नेसेसरी टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन रीजन, जो कि प्रोन है पायरेसी को लेके। इंडिया एंड यूएई हैव बीन कोलैबोरेटिंग इन जॉइंट एक्सरसाइज टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट साइक्लॉन जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैया तलवार जो कि नेवल है, डेजर्ट ईगल जो कि एयरफोर्स है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूएई देखो एक वाइटल कॉग है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जो कि बूस्ट करेगा कनेक्टिविटी को और एक्ट करेगा एज अ क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ये देख सकते हो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि कहाँ से जा रहा है, इंडिया से जाके आप देख रहे हो सेकंड पॉइंट जो है जबेली अली यूएई में, देन यू अल गुफेत, देन हरद, रियाद, अल हदीता, हेफा, देन है पिरेशस। सो दिस इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल रिलेशन। देखो कॉपरेशन है मल्टीलेटरल फोरम्स पे, इंडिया एंड यूएई का स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन है यूनाइटेड नेशंस पे। यूएई सपोर्ट करता है इंडिया की बिड फॉर एंट्री इन UNSC। दोनों कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म में, लाइक ब्रिक्स, I2U2 एंड यूएई फ्रांस इंडिया ट्राइलेटरल। यूएई एक गेस्ट कंट्री भी है G20 समिट पे, था ड्यूरिंग इंडियाज प्रेजिडेंसी। देखो बेटर कोऑर्डिनेशन है विद रीजनल ग्रुपिंग टू इंडिया यूएई कमांड्स, जो कि एक सिग्निफिकेंट रिस्पेक्ट देते हैं रीजनल ग्रुपिंग पे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। और इम्प्रूवमेंट भी देखी गई है रिलेशन में, जो कि डोर्स ओपन कर रही है फॉर OIC मेंबरशिप एंड इंडिया JCC FTA। अपार्ट फ्रॉम दैट, पीपल टू पीपल रिलेशन है। इंडिया डायस्पोरा जो है वो UAE में 35% के अराउंड है, एंड कहीं ना कहीं 3.5 मिलियन इंडियंस UAE में रहते हैं, जहाँ पे इंडियन कल्चर, सिनेमा एंड मीडिया वेल इंटीग्रेटेड है। इंडियन कम्युनिटी जो है ना यूएई में, वो कंट्रीब्यूट करती है रेमिटेंसेस में, जिससे 18% ऑफ टोटल रेमिटेंस आती है इंडिया में। कल्चरल रिलेशन की अगर हम बात करें, 2021 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ NYU अबू धाबी एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, जिन्होंने एक विजिटिंग प्रोफेसरशिप को इस्टेब्लिश किया, जो कि एनहांस करेगी एकेडमिक एक्सचेंज। बैप्स मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन में है अबू धाबी में, जिसका इनॉग्रेशन हो चुका है 2024 में, जो कि पीपल टू पीपल टाइज एनहांस कर रहा है। एजुकेशन, एक ट्राई पेट्राइट MOU साइन हुआ जुलाई 2023 में,
आईआईटी का दिल्ली का कैंपस अबू धाबी में बनेगा विद प्रोग्राम स्टार्टिंग इन 2024. लीडिंग इंडियन इंस्टीट्यूशन लाइक मणिपाल, बिट्स पिलानी, एमिटी, दे हैव ऑल्सो देयर कैंपस इज ऑल्सो देयर इन यूएई. अपार्ट फ्रॉम दैट, चैलेंजेस क्या है इंडिया यूएई रिलेशनशिप पे? नॉन टेरिफ बैरियर. देखो, नॉन टेरिफ बैरियर में जैसे सैनिटरी और फिजियो सैनिटरी एंड टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, वो अडॉप्ट किए गए यूएई के द्वारा, जो डैम्पन करते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट को रिलेटेड टू पॉटरी, मीट एंड प्रोसेस फूड. चाइनाज चेक बुक डिप्लोमेसी. चाइना की ना डीप पॉकेट्स है, तो वो लो इंटरेस्ट पे लोन देता रहता है और क्राउड आउट करता रहता है इंडिया के कंपनीज को फ्रॉम यूएई एंड मिडल ईस्ट रीजन. रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देखे गए हैं मिडल ईस्ट कंट्री में, जो कि इसराइल, पैलेस्टीन, यहाँ पे देखिए आप इस बारे में लेबनान, और वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं ईरान को, यूएस को और दूसरे रीजनल कंट्री को, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पे थ्रेट देखने को मिलता है. राइट, कफाला सिस्टम, वेलफेयर एंड राइट ऑफ इंडियन एक्सपेटेड जो है ना यूएई में, पर्टिकुलरली ब्लू कॉलर वर्कर, वो एक रिमेन कंसर्न है. इनह्यूमेन कंडीशन इम्पोज की गई है कफाला सिस्टम के द्वारा ऑन इन इमिग्रेंट्स, जो कि ब्लू कॉलर जॉब्स में एंगेज है इन यूएवी, विच इज़ अ मेजर चैलेंज इन इंडिया यूएई रिलेशन. राइट, वो एम्प्लॉयर्स को डिसप्रोपोर्शनेट कंट्रोल देता है ओवर माइग्रेंट वर्कर्स, इमिग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस. एक्सटेंशन ऑफ लोन्स टू पाकिस्तान. यूएई एक मेजर लेंडर है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया. ये जो मनी प्रोवाइड की जाती है ना यूएई के द्वारा, वो एंडेंजर करती है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को. देन वी हैव ट्रेड बैलेंस ऑल्सो. राइट, वॉट स्टेप नीड्स टू बी टेकन टू फर्दर एनहांस इंडिया यूएई रिलेशन? देखो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए इन द यूज ऑफ नॉन टेरिफ बैरियर. राइट, एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए 2+2 डायलॉग का विद यूएस एंड रशिया. वी नीड टू अलाइन विद विजन 2021. यूएई थ्रू इट्स विजन 2021 वो डाइवर्सिफाई करता है अपनी इकोनॉमी को, डिपेंडेंसी को रिड्यूस करता है ऑयल पे, और इंडिया को जो है यूज़ करने चाहिए ऐसे एरियाज लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप्स, फिनटेक टू डीपन इट्स एंगेजमेंट विद यूएई. रिफॉर्मेशन ऑफ कफाला सिस्टम. इंडिया शुड एक्टिवली एंगेज विद यूएई सो दैट कफाला सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सके. फॉर एग्जाम्पल, कतर हैज प्रॉमिस टू रिफॉर्म कफाला सिस्टम ऑन इंडियाज इंसिस्टेंस. सो गाइज, दैट वॉज ऑल. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक इट, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल SSB सक्सेस. योर लाइक्स एंड कमेंट्स मोटिवेट अस टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज ऑन टाइम. थैंक यू एवरीवन.